ओम सायराम, वेलकम बैक। बहुत से क्लाइंट इंडिया में और आउट ऑफ इंडिया आर आस्किंग क्वेरीज ऑन द जो राहु केतु का ट्रांजिट चल रहा है और उनका दशा, दे आर नॉट गेटिंग गुड रिजल्ट्स, राइट? और उनका लाइफ में चैलेंजेस है, ऑब्स्टेकल्स है, कैरियर में, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में। आज हम मेष लग्न मेष राशि का केस स्टडी लेंगे और ये ओवरऑल प्रेडिक्शन है लाखों करोड़ों मेष लग्न मेष राशि के लिए, राइट? आपको पर्सनलाइज कंसल्टेशन चाहिए, व्हाट्सएप और ईमेल से संपर्क कीजिए। हम सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं देते, सिर्फ देखिए प्रेडिक्शन से जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं आपको डिजीजेस पता चलता है, राइट? उसके ऊपर आप मेडिसिन लेते हैं, प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी में जब तक आप सॉल्यूशंस, रेमेडीज, गाइडेंस नेक्स्ट 3 साल 5 साल 10 साल का हम करके देते हैं, राइट? उपाय, मंत्र, राइट, वास्तु सब नहीं करेंगे आपको पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पूरा रिलीफ नहीं मिलेगा, राइट? तो एक बार प्रॉपर कंसल्टेशन लीजिए और अपने जिंदगी को बेहतर बनाइए। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, आज एरिस लग्न एरिस राशि के लिए राहु केतु का ट्रांजिट, ये ओवरऑल ट्रांजिट गोचर चार्ट है, राइट? 21 जून ऑल्सो इज अ स्पेशल डेट, मैं एक रेमेडी इस वीडियो के एंड में बोलूंगा। राहु केतु का ट्रांजिट आप देख रहे हैं 6-12 एक्सिस में चल रहा है। राहु जब 12th में चलते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में, राइट, उनका फिफ्थ एस्पेक्ट भी रहता है त्रिकोण का, राइट, वहां से आपको चैलेंजेस आ रहा है, राइट? सो 12th हाउस में चल रहे हैं फॉरेन सेटलमेंट, आपको आइसोलेशंस, आपका इन्वेस्टमेंट्स, आपका हॉस्पिटलाइजेशंस का, यू नो, गुड या बैड बेस्ड ऑन आपका राहु का प्लेसमेंट्स या दशा, राइट? और उसका नक्षत्र भी देखना होगा और उसका कारक भी देखना होगा। और इनका फिफ्थ एस्पेक्ट 4th हाउस पे पड़ रहा है जो कि आपका डोमेस्टिक पीस, पोस्ट मैरिड लाइफ में चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है। एट द सेम टाइम यदि आप घर से भी काम कर रहे हो उसमें भी कोई प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज आ रहे हैं, और एजुकेशन में भी यदि कोई आपके बच्चे और यू नो एनीवन इज एनरोल्ड, आपको थोड़ा शायद वो मार्क से कम हो या उसका हेल्थ के एंगल से वो चैलेंजेस भी आप फेस कर रहे होंगे। और उनका 9th एस्पेक्ट आप देख रहे हैं, यू नो, यहाँ से काउंट करेंगे ये 7th, 8th, 9th, राइट, 8th हाउस में पड़ रहा है जहाँ पे सडन ऑप्शन डाउन हो रहा होगा लाइफ में। आपका कोई ग्रेचुटी, इंश्योरेंस, पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, यदि अच्छा प्लेसमेंट है तो आपको मिल सकता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है, एक बार जान लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा कभी भी बुरा नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा हमेशा अच्छा होता है। आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, आप सेल्फ ऑब्सेशन में रहते हैं, आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अपना हार्ट, माइंड और सोल को दूसरे जगह पे रख लेते हैं, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसा जिंदगी है, ये तो जंगल में भी जानवर रहते हैं, राइट? तो आपको ऐसे जिंदगी को चलाना है तो जिंदगी चल सकता है, 80 साल हो गया और आपने टाटा गुड बाय कर दिया। एक बार जिंदगी मिला है, अपना खुद का ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपरली कंसल्टेशन लेके नया बिगनिंग, आपको अंडर प्ले नहीं करना है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, आप खुद ही एक बड़ा लीजेंड बन सकते हैं। खुद ही अपने ऊपर भरोसा करेंगे तो दुनिया भरोसा करेगा। और कुछ फनी लोग रहते हैं, कुछ मैड लोग रहते हैं, वो तो लूज स्टेटमेंट देंगे क्योंकि ना वो खुद ऊपर जाएंगे ना किसी को ऊपर जाते हुए देख सकेंगे, राइट? तो उन लोगों के लिए मेरे आपको एक ही एडवाइस है, इग्नोर करना सीखिए, इग्नोर, राइट? ऐसे यू नो पीपल कीप ऑन बार्किंग बट यू नो नीड टू यू नो रेस्पॉन्ड और रिटेलिएट देम, राइट, ऑटोमेटिकली। बिकॉज जब कोई आपके बारे में बुरा बोलता है ना तो उसके ऊपर 10 टाइम्स उसको बुरा चीज मिलता है। भगवान के यू नो यदि नियति आप बिलीव करते हैं, रामायण, महाभारत, वेद पुराण, भगवत पुराण, ये सब शास्त्र बिलीव करते हैं, तो आप परेशान मत होइए, राइट? मिशन 2024-25, राइट, स्कॉर्पियो, ये 8th हाउस आपका सुपर एक्टिवेटेड हो रहा है, आप जो चाहेंगे वो मिलेगा पॉजिटिव में, राइट? आप ये हाउस को यूटिलाइज करना होगा, नहीं तो नेगेटिव इफेक्ट भी मिल सकता है क्योंकि राहु गुरु और शनि का ट्रिपल ट्रांजिट हो रहा है, राइट? तो ये वीडियो को बार बार देखिए, मेष लग्न मेष राशि, राइट, और कुछ भी प्रॉब्लम्स है जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, कैरियर में, हम फेंगशुई वास्तु भी करते हैं, हम नक्षत्र वास्तु भी करते हैं। आप सॉल्यूशंस, रेमेडीज, कंसल्टेशन एक बार लीजिए, व्हाट्सएप और ईमेल से संपर्क कीजिए। नेक्स्ट टाइम और एक केस स्टडीज के लिए लेते हैं, तब तक के लिए एक रेमेडीज में एंड करूंगा वीडियो में। 21 जून को आप देख रहे हैं, ये पूर्णिमा का भी दिन है, इस दिन आप रात में या दिन में जब भी टाइम मिले कुछ लोगों का मदद कीजिए, उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हमेशा मैंने जैसे बोला, सेल्फ के बारे में मत सोचिए, दुनिया में आए हैं तो दूसरों का मदद करेंगे। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड, राइट? हम बड़े लोगों का बात याद रखेंगे, जब ये इधर उधर का बात डिस्ट्रैक्शन डिविएशन से हटके अपने जिंदगी को एक नया मार्गदर्शन देंगे, एक नया बिगनिंग देंगे, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप चैंटिंग जय श्री राम।